ओके, तो अपनी फर्स्ट लेयर होगी ये वाले बाल जो जा रहे हैं, ठीक है, पूरे उनको मैकेनिकल पेंसिल से बनाना अपनी फर्स्ट लेयर। तो जो बाल जा रहे हैं थोड़े प्रेशर के साथ बनाना, वैसे नहीं कि बहुत हल्का बना दिए, थोड़े प्रेशर के साथ, और चेहरे के अंदर नहीं लाना स्ट्रोक्स। तो पहले एक वो बना लो आउटलाइन कि पर्टिकुलरली पहले अपन को इस एरिया में बनाना, ठीक है, ये एरिया अपन इस तरीके से फिल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये कर रहे हो, तो यहाँ ध्यान दोगे तो अपन ने जो हैचिंग वाला पोर्शन है अपने आपके सामने से वो हटा लो, लाइक इसमें से हैचिंग गायब होगा तो डायरेक्शन क्या बचती है। ये आ रहा है तो यहाँ से ऐसे पहले थोड़े नीचे आ रहे हैं फिर ऊपर जा रहे हैं, तो मैं एकदम पास पास भरने की जरूरत नहीं है, और दूर दूर का मतलब ये नहीं कि एक तो बस ये छोड़ दिए, और पास पास का मतलब ये नहीं कि एकदम बहुत पूरा भर रहा है उस जगह को, शेड कर रहा है, नहीं। तुम्हें करना क्या है, जैसे नॉर्मली अपन स्ट्रोक्स लगाते तुम्हारा फ्लो आना चाहिए, ठीक है, फ्लो फ्लो में बनाते जाओ पूरा, यहाँ से थोड़े नीचे नीचे बनाते जाओ। तो बाल ऊपर जा रहे हैं थोड़े थोड़े, जो इधर पे हैं वो नीचे की तरफ लटक रहे हैं, तो अपन ने वो बनाए उतने, ओके, और फिर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये वाले गए अपन, ये भी ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं धीरे धीरे। मैंने बोला ये भरना नहीं है, ठीक है, इतना अगर कर रहे हो दिस इज ऑल्सो इनफ, ठीक है, क्योंकि ये अपन की एक और लेयर होगी बालों को डार्क करने के लिए, तो वो उसे कवर कर लेगी। तुम्हें इस तरीके से शेप बस ध्यान रखना है कि मैकेनिकल पेंसिल से तुम जो डायरेक्शन और शेप दे रहे हो, ठीक है, डायरेक्शन ये हो गया ऊपर की तरफ जाते हुए, और शेप ये हो गया ऊपर की तरफ जाते हुए कर्व्स, ठीक है, स्ट्रोक्स हमेशा शार्प रखना इस तरीके से, कर्व्स आ रहे हैं, ठीक है। ये एरिया होता है, जैसे मेरे हाथ यहाँ लग गए, हाथों की वजह से स्मजेस आ गए यहाँ पे, तो वो चीज अवॉइड करो, हाथ के नीचे एक पेपर रखो और यहाँ से करना स्टार्ट करो। अब देखो बाल जो चेहरे पे आ रहे हैं, मैंने उससे थोड़ा ऊपर एरिया छुड़वा दिया था, थोड़ा और नीचे तक आएंगे, तो तुम्हें करना क्या है, जैसे ये वाला हिस्सा ऊपर जा रहा है, अब तुम्हें इसे थोड़ा नीचे नीचे तक लाना है इसे, ठीक है, थोड़े यहाँ से नीचे की तरफ, बस ऐसे थोड़ा चेहरे की तरफ लाए, सेम चीज यहाँ ऐसे थोड़े चेहरे की तरफ आ रहे हैं, ओके, ये होता है अपना, तो ये हिस्सा है। अब थोड़ा शाइन देखो, एक पैटर्न, ये हिस्सा जो देख रहे हो तुम ये, ठीक है, तो ये हिस्सा अपने थोड़े स्ट्रोक्स कम रखना है यहाँ पे, क्योंकि ये हाईलाइट वाला पोर्शन है, अपन इरेजर से भी बाद में इरेज कर सकते, कोई परेशानी नहीं है। तो नीचे से ऊपर की तरफ स्ट्रोक्स ले गए ऐसे, और ऊपर से नीचे की तरफ स्ट्रोक्स ले गए, तो अपन को ये एक हिस्सा एक तरीके से समझो कि छोड़ रहे हैं अपन, तो इतना हिस्सा ऐसे छोड़ा, बीच में एक आध दो ऐसे स्ट्रोक्स लगा ली, तो अल्टीमेटली अपन ने ये फिल करा, ये फिल करा, और हाईलाइट में ये छोड़ दिया। तो इसी तरीके से अपन सब करेंगे, तो पहले इतना कर लो, ये वाला जो हिस्सा है ये हाईलाइट की तरह छोड़ना है, तो नीचे से स्ट्रोक्स लगाना जब चालू करोगे, यहाँ पे जो लगा रहे हो सब एक ही जैसे नहीं आएंगे, पहले बता रहा, यहाँ पर फ्लो रखना है तुम्हें, इसमें भी पार्टीशन है, ये उसकी प्रैक्टिस के टाइम बताया था, नहीं नहीं याद है तो देख लो, इस तरीके से पूरा एक बड़ा सा एरिया है, उसे मैंने पार्टीशन कर दिया इस तरीके से 2 से 3 एरियाज में, ठीक है, तुम्हें पता है तुम्हारे हाईलाइट लगभग लगभग ऐसे ट्रांसवर्स करेंगे। तुमने नीचे की तरफ जो चेहरे वाले स्ट्रोक्स बना लिए हैं, इन्हें थोड़ा कर्व करते करते पीछे ले जाओ, यहाँ से भी स्ट्रोक्स ऐसे बना लो, तो हो गया, इतने में काम हो गया, ज़्यादा नहीं करना। फिर यहाँ से स्ट्रोक्स लगाना चालू करें, तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ छोड़ना है, तो वहां तक तो स्ट्रोक्स लगा लो एक बार में, ठीक है, शार्प लगाना, अच्छे लगाना, फिर ऊपर से नीचे लाओ, फिर नीचे से ऊपर ले गए अपन, ठीक है, एक आध ऊपर जा रहा है, कोई परेशानी नहीं है, ऐसे नीचे लाए फिर अपन, एरिया पर ने ऐसे फिल कर दिया, थोड़े ये तभी नहीं छोड़ना कि एकदम ही खाली हो जाए, थोड़े से स्ट्रोक्स ऐसे बीच में डाल दिया, ये हाइलाइटेड पोर्शन अपन को दिख रहा है, ओके, ये हिस्सा बचता है, फिर यहाँ से ऐसे कर्व करते हुए नीचे की तरफ ऐसे,
ओके फिर ये वाला जो सारा अपना ऐसे कर्व करता हुआ पूरा यहाँ तक, ये जो हिस्सा आ रहा है ऐसे थोड़े थोड़े बाल इधर उधर बिखर रहे, कोई परेशानी नहीं, ये अपन ने किया। फिर ये हिस्सा देखो, तुम्हें पता है हाईलाइट यहाँ तक आ रहे, तो तुमने यहाँ से ऐसे कर्व लगाए, एकदम ही खाली नहीं छोड़ना, इसलिए कर्व्स अपने थोड़े आगे भी जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा हाथ के नीचे पेपर हमेशा रखना, चेहरा गंदा नहीं हो जाए, पता चला हैचिंग से शेडिंग में बदल गया पूरा स्केच। तो इस तरीके से थोड़ा नीचे नीचे स्ट्रोक्स लगाते रहना, पूरे हिस्सा खाली मत छोड़ना, बार बार बोल रहा हूँ ये मैं। ओके फिर ये वाला जो हिस्सा है, ये थोड़े बाल ऐसे आएंगे, मैंने छुड़वाया था ये एरिया, तो यहाँ पे वो डाल लो बाल, तो एक्स्ट्रा बाल चेहरे पे ऐसे आ रहे ना, वो हो गया, ये एरिया अपने बाल ऐसे जाएंगे, यहाँ से भी बाल उठते हुए जाने से ये वाले एरिया में देख सकते हो ना, इस तरीके से थोड़े बाल इधर उधर, थोड़े लेफ्ट जा रहे हैं, थोड़े ऊपर जा रहे हैं, कुछ इधर राइट की तरफ भी जा रहे हैं, इधर पे तुम्हें थोड़े बिखरते हुए से बाल बनाने, मोस्टली लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बनाओ। ओके यहाँ से थोड़े थोड़े राइट हैंड साइड ऐसे जाते हुए, इतना काफी है। फिर ये ऊपर वाले कर्व बना लो, ये ऊपर वाला तो सिम में कोई हाईलाइट नहीं है, इसलिए तुम पूरे में ऐसे कर्व भर सकते हो। तो धीरे धीरे कर्व करते करते अपन ने कर दिया, ये वाला एरिया डिफाइन किया। ठीक है, इधर पे भी हाईलाइट देखो कहाँ पे, इसमें इतने एरिया में ये छोटा सा दिखा, तो बाकी सब तो फील्ड है, थोड़ा यहाँ पे दिख रहा, तो अपन ने एक बार ध्यान दो कि हाईलाइट्स कहाँ कहाँ दिख रहे हैं, जहाँ नहीं दिख रहे वो पूरा भर लो इस तरीके से, बीच में कुछ नहीं दिख रहा अपन को, तो बीच में ऐसे बाल जो जा रहे ऐसे कर्व होते हुए थोड़े थोड़े ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ से ऐसे जा रहे कर्व, थोड़ा नीचे लाओ यहाँ से स्ट्रोक्स, और यहाँ से स्ट्रोक्स ऐसे ऊपर की तरफ ले जाओ कर्व करते करते। ओके ये नीचे की तरफ ऐसे लाए कर्व करते करते स्ट्रोक्स, यहाँ पे हाईलाइट है तो यहाँ से ऊपर से लाओ स्ट्रोक्स नीचे, यहाँ से ऊपर की तरफ ले जाओ। ठीक है, ये थोड़े थोड़े हाईलाइट मैंने छोड़ दिए, तो पहले इतना कर लो, फिर ये बाकी का एरिया ये करेंगे। ठीक है, तो ये देखो कान के पास सबसे पहले कर लो। ठीक है, जो आउटलाइन ऐसे जा रही है ना अंदर, पहले कान के बाहर की आउटलाइन हो गई, फिर कान के नीचे से जा जो एक कलम जाती है। ठीक है, थोड़े हल्के हल्के बाल यहाँ से ऐसे जा रहे हैं नीचे, तो ये लाइटली आएंगे। ईयर्स के पीछे पीछे बाल हैं, वो भी अपन बनाते हैं। पहले जो ऐसे जा रहे हैं ना, ये अपन ने शेप बनाया था ये वाले, तो इन्हें जरा डार्क कर लो। अब तुम्हें देखना है कि थोड़े यहाँ यहाँ हाईलाइट है, थोड़े एरिया में थोड़े यहाँ यहाँ हाईलाइट है, तो इस तरीके से तुम्हें उतना हिस्सा छोड़ के बाकी सब जगह डार्क रखना है। तो इस तरीके से यहाँ यहाँ हल्के हल्के स्ट्रोक्स लगा लो। ठीक है, बहुत ज्यादा डार्क की जरूरत नहीं है, उसके बाद बाकी जगह डार्क लगा लो ऐसे। ठीक है, डार्क हुआ ये नीचे वाला हिस्सा, डार्क हुआ स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कर दो डार्क, इतना हिस्सा छोड़ना है अपन को लाइट। बाकी हिस्सा जैसे ये ईयर्स के जा रहे हैं, तो ईयर्स में मैंने क्या बोला था, थोड़ी एक अगर अपन को एरिया खाली सा दिखता है, तो अपन एक काम करते हैं हैचिंग कर देते उसमें, तो यहाँ ईयर्स वाले पोर्शन में थोड़ी सी हैचिंग कर दी, और बाद में से अपन ने पीछे की तरफ जाते हुए स्ट्रोक्स डाल दिए। ठीक है, तो अपना आराम आराम से धीरे से यहाँ वाले हिस्से में भी छोड़ना है हाईलाइट्स अपन को। फिर यहाँ पे बना लो, देखो ये ऊपर ईयर की जो कवरिंग है ना, जैसे ये वाला एरिया आ जाता, ये डार्क ही रखना अपन। ठीक है,
ठीक है, पीछे से आगे की तरफ आते आते जो स्ट्रोक्स आ रहे हैं अभी तो नहीं, मैकेनिकल पेंसिल से तो आराम आराम से करो, इधर पे बहुत दाग भरने की जरूरत नहीं है। जब अपन अपनी 6B या 8B पेंसिल से करेंगे, यहाँ से थोड़े आगे हल्के हल्के है, तो अपन को जो थोड़ा हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए था वो भी हो गया ईयर्स के और यहाँ के बैक में। यहाँ पे क्या करना, तो ऐसे स्क्रिबल्स से रहते ना बाल, ऐसे पीछे की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे स्क्रिबल्स, तो वो करो। ठीक है, कूदना नहीं है, ठीक है कूदना नहीं है, ऐसे थोड़ा डायरेक्शन देते हुए कि लाइक ऊपर ऊपर की तरफ आ रहे हैं ये, और ये ईयर की ऐसे आउटलाइंस ही आ रही है। ठीक है, तो ये अपनी फर्स्ट लेयर पूरी मैकेनिकल के साथ हो जाती है। अगर अपन चाहें तो अपन तो यहाँ पे भी रुक सकते हैं, ऐसे भी बड़ा अच्छा लग रहा स्केच, लेकिन अपन के स्केच रेफरेंस में डेप्थ है तो अपन वो भी देखेंगे ताकि अपन को वो भी बनाना आ जाए। ठीक है, तो 8B पेंसिल लिया अपन ने। अब तुम्हें देखो, तुम्हें पूरा भरने की जरूरत नहीं है, जैसे ये थोड़े से लगा दिए यहाँ पे स्ट्रोक्स हल्के हल्के, थोड़े इधर डायरेक्शन में अपन ने जैसे लगाए थे, तुम्हें पूरा नहीं भरना, तुम्हें बस स्ट्रोक्स लगाने हैं। मैकेनिकल से अपन ने पूरा नहीं भरा, स्ट्रोक्स लगाए, तुम्हें सेम चीज इससे करनी, अपन डेप्थ के लिए कर रहे हैं। अपन की डेप्थ तो अभी भी अच्छा लग रहा है स्केच, थोड़ा और डेप्थ आ जाएगी और बढ़िया लगेगा, तो अपन बस वो थोड़ी डेप्थ के लिए कर रहे हैं। अपन को पूरा नहीं चाहिए कि पूरा फिल्ड हो ये हेयर्स, अपन हैचिंग वाले बना रहे हैं, अपन कोई रियलिस्टिक नहीं बना रहे, तब भी बहुत अच्छे आ रहे हैं अपन जब रियलिस्टिक भी नहीं बना रहे। तो मैं नॉर्मली ऐसे कर्व कर करके बनाना है, ऐसे पूरा नहीं भरना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये अपने जो नीचे की तरफ फेस पे निकाले थे थोड़े, एक आध दो 8B से भी डार्क कर दो, बाकी ऐसे ऊपर है। तो धीरे धीरे अपन स्ट्रोक्स ऐसे लगाते जाएंगे, यहाँ यहाँ पे जो बीच में हाईलाइट छोड़े थे वहां पे भी ऐसे शार्प से लगाना स्ट्रोक्स, ब्लंट मत लगाना मोटे मोटे। फिर ऊपर से आएंगे नीचे की तरफ, ऊपर का हिस्सा भी ऐसे डार्क है, ये वाले हिस्से में आते हैं, ठीक है। चेहरे चेहरे पे भी थोड़े थोड़े लगा दिए थे अपन ने, अपना हो गया। ये वाले हिस्से को सेम वही करेंगे कि चार पार्ट में से पार्टीशन सा कर लिया, फिर एक एक पार्ट को लेकर अपन ऐसे फिल करे जा रहे हैं। ये हुआ, इस तरीके से अपन ने ये वाला सब करेंगे, सेम तरीके से ये वाला हिस्सा करेंगे। हाइलाइट्स को भरना नहीं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, हाइलाइट्स छोड़ रहे हो वो जरूरी चीज होती है अपने हेयर्स में, वो एक लुक देते हैं, क्योंकि हेयर्स वरना पूरी उसकी जगह तो पूरे हेयर्स ऐसे ही उल्टे सीधे कुछ भी फिल कर दो। ठीक है, बीच बीच में जो थोड़े थोड़े गैप सा छूटता है, जो यहाँ पे कोई मेजर पार्ट में हाईलाइट आता है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अपने हेयर्स का। ठीक है, वो अपने हेयर्स को जो शेप है, जो डायरेक्शन है, वो नोटिसेबल कराता है कि हाँ भाई बाल इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस शेप में जा रहे हैं ना, तुम तो कोई बस आउटर शेप बनाओ और भर दो ऐसे, उसमें क्या है। ठीक है, पेंसिल जो है शार्प रखना और ऐसे घुमाते रहो पेंसिल को, सबसे बेस्ट तरीका रहता है पेंसिल को कुछ जगह स्ट्रोक्स लगाने का, इस तरीके से घुमाते रहो, तो उससे क्या होता है जो टिप है, जो पॉइंटेड पोर्शन है,
वो हमेशा तुम्हारे हैचिंग में आता रहता है। मुझे यूजुअली देखा होगा हैचिंग करते समय नॉर्मल पेंसिल से मैं बार बार उसे घुमाता रहता हूँ, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा ही ब्लंट हो जाती है, जैसे अभी हो गई है, तो अब मैं इसको शार्प करूँगा, ठीक है। तो धीरे धीरे अपन स्ट्रोक्स ऐसे लगाते जाएंगे। यहाँ यहाँ पे जो बीच में हाईलाइट छोड़े थे वहां पे भी ऐसे शार्प से लगाना स्ट्रोक्स, ब्लंट मत लगाना मोटे मोटे। फिर ऊपर से आएंगे नीचे की तरफ, ऊपर का हिस्सा भी ऐसी डार्क है। तो ये वाले हिस्से में आते हैं, ठीक है। चेहरे चेहरे पे भी थोड़े थोड़े लगा दिए थे अपन ने, तो अपना हो गया। ये वाले हिस्से को सेम वही करेंगे कि चार पार्ट में से पार्टीशन सा कर लिया, फिर एक एक पार्ट को लेकर अपन ऐसे फिल करे जा रहे हैं। ठीक है, ये हुआ। इस तरीके से अपन ने ये वाला हिस्सा करेंगे, सेम तरीके से ये वाला हिस्सा करेंगे। हाइलाइट्स को भरना नहीं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, हाइलाइट्स छोड़ रहे हो, वो ज़रूरी चीज़ होती है अपने हेयर्स में, वो एक लुक देते हैं। क्योंकि हेयर्स वरना पूरी उसकी जगह तो पूरे हेयर्स ऐसे ही उल्टे सीधे कुछ भी फिल कर दो, ठीक है। बीच बीच में जो थोड़े थोड़े गैप सा छूटता है, जो यहाँ पे एक मेजर पार्ट में हाईलाइट आता है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अपने हेयर्स का, ठीक है। वो अपने हेयर्स को जो शेप है, जो डायरेक्शन है, वो नोटिसेबल कराता है कि हाँ भाई बाल इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस शेप में जा रहे हैं। ना तुम तो कोई बस आउटर शेप बनाओ और भर दो ऐसे, उसमें क्या है, ठीक है। पेंसिल जो है शार्प रखना और ऐसे घुमाते रहो पेंसिल को, सबसे बेस्ट तरीका रहता है पेंसिल को कुछ जगह स्ट्रोक्स लगाने का, इस तरीके से घुमाते रहो। उससे क्या होता है, जो टिप है, जो पॉइंटेड पोर्शन है, वो हमेशा तुम्हारे हैचिंग में आता रहता है। मुझे यूजुअली देखा होगा हैचिंग करते समय नॉर्मल पेंसिल से मैं बार बार उसे घुमाता रहता हूँ, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा ही ब्लंट हो जाती है, जैसे अभी हो गई है, तो अब मैं इसको शार्प करूँ, ठीक है। पेंसिल शार्प हो गई, तो अब जो चेहरे की तरफ स्ट्रोक्स जा रहे थे उन्हें बहुत ज़्यादा से डार्क भर भर के नहीं लगाना है, ठीक है। ऐसे पार्टीशन करेंगे भाई अपन, कि अपन ने इसे पार्टीशन कर दिया। नीचे वाले देखो स्क्रिबल्स जरूर है, लेकिन वो डायरेक्शन में लगाना, एक पर्टिकुलरली तुम इस डायरेक्शन में लगा रहे हो। फिर जो हाइलाइटेड पोर्शन है, जो हाइलाइट्स वाले हैं, उनको छोड़ के उन्हें एकदम ऐसे नहीं करना कि बहुत पूरे ही छोड़ दिया, उधर पे भी अपने थोड़े थोड़े डार्क स्ट्रोक्स आएंगे, लेकिन अपन को ऐसे भर भर के नहीं लगाने उसमें, जैसे यहाँ यहाँ लगा रहे हैं ना एंड एंड। ठीक है, और लास्ट वाले स्केच में अपन ने किया था,
बालों में कि ब्रश लिया, जैसे जो डार्क पोर्शन है वहां पे हल्का हल्का जैसे ब्रश चला लिया जो डार्क पोर्शन है, ठीक है, तो उससे क्या होता है थोड़ी एक स्मूथनेस सी भी आ जाती है बालों में, वो भी अच्छी लगती है, ठीक है, और ये अपना स्केच तैयार हो जाता है, ठीक है। तो तुम्हें थोड़े अगर हाइलाइट्स देने हैं कहीं और तुम्हें लग रहा कि यहाँ स्ट्रोक्स ज्यादा होने चाहिए, तुम इस तरीके से लगा सकते हो, वरना अपना जो स्केच है वो बहुत अच्छे तरीके से बन गया, ठीक है। थोड़े से बाल बिखरते हुए से भी बना सकते हो मैकेनिकल पेंसिल से, जैसे बाहर की तरफ निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना स्केच रेडी हो गया है, तो अपन नया स्केच नेक्स्ट क्लास से चालू करेंगे।